फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके द्वारा किए गए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और स्पेशल कमेंट के द्वारा ही आज हम 1000 से अधिक लोगों के साथ जुड़ सके। आपके इसी सहयोग और शुभकामनाओं के साथ आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। यू आर वॉचिंग pacific.com एंड दिस इज डे 4 ऑफ आवर मेहंदी क्लासेस, सो लेट्स बिगिन। New Pacific. हेलो फ्रेंड्स, डे 3 में हमने तरह तरह की पत्तियां बनानी सीखी थी और उन पत्तियों में से कुछ एस से बनने वाली पत्तियां थी। मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ इस तरह का एस बनाना है, ऐसा वाला एस नहीं बनाना है। तो आज जो हम पत्तियां और कुछ डिजाइन बताएंगे उसमें ये एस कॉमन रहेगा, साथ ही साथ हाफ सर्कल इसमें नीचे से जोड़ दिया जाएगा। तो आज जो हमारी पत्तियां बनेगी उस डिजाइन में ये डिजाइन कॉमन रहेगी। तो हमारी पहली डिजाइन है, सबसे पहले हम एस बनाएंगे। और ये हाफ सर्कल, तो ये हमारी पहली डिजाइन पूरी हो गई है। और इसमें जो डिजाइन अंदर से फिल करना है, तो इन पत्तियों के अंदर जो भी डिजाइनें फिल हो सकती हैं वो हम आगे आपको किसी एपिसोड में जरूर बताएंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा वही कॉमन और ये हाफ सर्कल भी कॉमन है। हमने आउटलाइन दी हुई है, इस तरह हम बढ़ाते इसको और फिर तीन पत्तियों से बनी हुई डिजाइन बनाएंगे। तो ये हमारी सेकंड डिजाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम वही कॉमन एस नीचे से वही कॉमन हमारा हाफ सर्कल, ये जो डिजाइन बनाई थी यही डिजाइन बनाएंगे हम। और अब ऊपर कर्व वाली पत्ती बनाएंगे। तो ये डिजाइन भी कंप्लीट हो गई हमारी।
अब यहाँ पे हम ओयो की पत्ती ले जाएंगे। अब हमारा फिर से वही कॉमन एस बनाएंगे पहले हम। हाफ सर्कल और अब हम इसको मछली का शेप देंगे। तो अभी तक हमने एस और हाफ सर्कल बनाया, तो अब इस डिजाइन में भी एस और हाफ सर्कल तो कॉमन है ही। लेकिन अब इसमें हम ऊपर भी हाफ सर्कल बनाएंगे उल्टा। पर भी हमने उल्टा हाफ सर्कल बनाया हुआ है। अब ये डिजाइन हमारी सारी डिजाइनों में कॉमन होगी। तो हम सबसे पहले एस बनाएंगे, ऊपर से हाफ सर्कल और नीचे भी हाफ सर्कल। अब इसमें हम एक पत्ती सीधी बनाएंगे। और एक पत्ती उल्टी, तो ये डिजाइन भी कंप्लीट हो गई। और फिर वही एस कॉमन, थोड़े से बदलाव से हमारी एक नई डिजाइन बन जाती है। अब हम फिर से हाफ सर्कल बना लिया हमने, ये भी एस बना लिया है। इसको हमने थोड़ा घुमाओ बना के, अब इसको हम
तो इस पत्ती को हमने मोर की स्टाइल में बनाया है। तो अब हम इसको मछली की डिजाइन देंगे। तो चलिए इसे भी अपन पूरी कर लेते हैं। तो डे 4 में आज इतना ही। मिलेंगे हम नई डिजाइनों के साथ डे 5 में। तो ये था हमारा डे 4। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और आगे ऐसे ही वैरायटी ऑफ आर्ट सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट आर्ट।